अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहिरा अंसारी, आपकी मेंटर। आज हम सीखेंगे कैनवा से रिलेटेड तमाम फंक्शंस जो हमें डिज़ाइनिंग करते वक्त हमें रिक्वायर होते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हमें स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। कल की क्लास तक मैंने आप लोग को ये बता दिया था कि हमने अकाउंट कैसे बनाना है और उसमें हमें अगर कस्टम डिज़ाइन लेना हो या कस्टम साइज लेना हो तो वो कैसे लेंगे। आज हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। मैं सिंपली अपना गूगल क्रोम यहाँ से खोल रही हूँ और हमने जो कल कैनवा का अकाउंट बनाया था उस अकाउंट को मैं यहाँ पर ओपन कर रही हूँ। तो हम जा रहे हैं कैनवा की वेबसाइट पे। यहाँ पर मेरा अकाउंट पहले से ही लॉगिन आ रहा है। अगर आपका अकाउंट लॉगिन ना आ रहा हो तो आपने उसको लॉगिन कर लेना है अपना ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड डालकर, जो आपको मैंने कल सिखाया था कैनवा में अकाउंट बनाते वक्त जो आपने उसमें ईमेल एड्रेस डाला था वही सेम ईमेल एड्रेस डालेंगे, और जो आप पासवर्ड आपने रखा था अकाउंट बनाते वक्त वही आपने पासवर्ड रखना है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको कोई भी टेम्पलेट यूज़ करना हो तो मैं चीज़ बता दूँ कि चाहे आप कस्टम साइज लेके कोई चीज़ बनाना चाहेंगे या टेम्पलेट करके, तो उसके अंदर जो फंक्शन आएंगे ना वो सेम ही होंगे। ठीक है, तो मैं इसीलिए आपको टेम्पलेट का भी इधर से ही बता रही हूँ। अगर आपको कोई भी टेम्पलेट चाहिए तो आप सिंपली सर्च बार में उस टेम्पलेट को लिख के आप सर्च कर सकते हो। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे पोस्टर चाहिए। ठीक है, तो जिस मैंने सर्च बार में पोस्टर लिखा एंड देन मैंने एंटर प्रेस किया तो ये मेरे पास यहाँ से सर्च होकर मेरे पास ओवरऑल कैनवा में जो पोस्टर्स होंगे वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएंगे। पेड वर्जन्स भी इसमें आ रहे होंगे और इसके अंदर हमारे पास जो है फ्री भी शो हो रहे होंगे। तो आपने जो है बेसिकली फ्री वाला यूज़ करना है क्योंकि हमने अपना कैनवा अकाउंट फ्री वाला बनाया था। ठीक है, अब पोस्टर से रिलेटेड देखिए हमारे पास ये ऑप्शन आ गए। इसमें से आपको जो समझ आए, जो आपको अच्छा लगे, आप वो उसमें से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रो नहीं लीजिएगा, ऐसा लीजिएगा, फ्री वाला लीजिएगा जिसको आप इजीली एडिट कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको कोई यूट्यूब का चैनल आर्ट बनवाना है या बनाना है तो आप यूट्यूब चैनल आर्ट लिखें या फिर यानी कि यूट्यूब बैनर, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके पास फंक्शंस होंगे यानी कि डिज़ाइन होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे आ रहे हैं, मैं इसमें से ले लेती हूँ। ये है, मैं ये वाला ले लेती हूँ उसमें से। ठीक है, मैंने जस्ट इस पर क्लिक किया है। क्लिक करने के फौरन बाद ही उसने हमें उस पर्टिकुलर टेम्पलेट को हमारे इधर कैनवस में खोल कर दे दिया है जहाँ पर हम जो है इसको इजीली एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं करना चाहें तो आप अपना कस्टम साइज भी ले सकते हैं। जब आप कस्टम साइज लेंगे इंटरफेस पूरा ऐसा ही आएगा, लेकिन बस आपके कस्टम साइज में ये होगा कि ये जो इसका पेज आ रहा है, ये जो इसका कैनवस आ रहा है ये वाइट आएगा, इस पर डिज़ाइन नहीं हुआ हुआ होगा। ठीक है, अभी ये लोड हो रहा है तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफिक्स इसकी लोड हुई नहीं है, तो अभी जब ये कंप्लीट लोड हो जाएगा तो इसकी ग्राफिक्स बिल्कुल प्रॉपर वैसी ही आएगी जो हमने टेम्पलेट चूज किया था अपना। ठीक है, नेंसी हमारे पास हमारे टेम्पलेट ओपन हो चुका है। अब हमारे पास जब हम कोई भी टेम्पलेट चूज करते हैं तब, या कोई भी कैनवस अपनी मर्जी का कस्टम साइज लेते हैं, तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं यहाँ पे, होम, फाइल, रीसाइज एंड ओवरऑल। ठीक है, और यहाँ पे टेम्पलेट और ये सब कुछ। अब ये जो एक रीसाइज का ऑप्शन है ये बेसिकली है कैनवा के प्रो वर्जन में, यानी कि आप अपने कैनवास का साइज उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्री में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। जैसे कि अभी ये हमारे चैनल आर्ट का साइज़ है, अगर हम चाहें तो हम फेसबुक का साइज़ अगर चेंज करना चाहें कि हम अपनी मर्जी से अपने फेसबुक कवर के साइज़ के मुताबिक इसको कन्वर्ट करें, तो वो हम इस फ्री वाले वर्जन में नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कैनवा प्रो यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगी कि वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। इससे पहले हमारे पास हम होम पेज पर हैं और हम होम पे हमारे पास वही तमाम टेम्पलेट्स आ रहे होंगे जहाँ से हमने उस पर्टिकुलर टेम्पलेट को चूज़ किया था। ठीक है, तो मैं वापस से बैक आ रही हूँ। होम के बराबर में ही हमारे पास एक फाइल का ऑप्शन है जिस पे हम अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास उसके अंदर जो ऑप्शंस आएंगे वो आएंगे कुछ ये, कि भाई आपका जो टाइटल है वो ये है, इसका साइज आपने ये रखा हुआ है, आपको रूलर्स और गाइड्स चाहिए या नहीं चाहिए, यानी कि रूलर्स टॉप पे आ रहे होते हैं। अगर चाहिए तो आप शिफ्ट आर से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। रूलर एंड गाइड्स का कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर आपको एडोब में हो जाएगा, वहाँ पे समझा दूंगी कि इनका क्या मकसद होता है। शो मार्जिन का भी वहीं पर आपको समझ आ जाएगा। ब्लीड, ब्लीड भी प्रिंटिंग के लिए यूज़ की जाती है, हमें ब्लीडिंग एरिया के अंदर ही रहते हुए काम करना होता है ताकि हमारा काम
बैकग्राउंड तो हम ब्लीक तक रख सकते हैं, लाइक वो अगर कट भी हो तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा टेक्स्ट हमारे ब्लीडिंग एरिया के अंदर होना चाहिए। तो ये ब्लीड बेसिकली एक मार्जिन टाइप होती है, हमें एक बॉर्डर लाइन दे दी जाती है कि जिसके अंदर रहते हुए ही हमें काम करना होता है, ठीक है। एंड देन सेव, ये खुद ब खुद ऑटो सेव होता रहता है, ठीक है। सेव टू फोल्डर, अगर आपने कोई पर्टिकुलर फोल्डर बनाया है कैनवा के अंदर तो ये वहाँ पर जाकर सेव हो जाएगा, ठीक है। कोई कमेंट्स हैं तो उससे रिलेटेड, अगर कॉपी बनानी है तो ये वो चीज़ें हैं ओवरऑल, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पर अब हमारे पास एक ऑप्शन है, अच्छा एक ये दो ऑप्शंस भी हैं। ये हमारा जो ऑप्शन होता है इसे कहते हैं हम अंडू, यानी कि कंट्रोल जेड इसकी शॉर्टकट की है। अंडू का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर मैंने बाय मिस्टेक इसके अंदर कोई एक ऐसी चीज़ ऐड कर दी जो मुझे नहीं चाहिए थी, या मैंने इसके प्लेसमेंट को डिस्टर्ब कर दिया, जैसे कि वहाँ ले गई, इसको यहाँ से नीचे ले आई, इसको इस तरीके से यहाँ पे आई, तो अब ये चीज़ हमारी डिस्टर्ब हो गई है। इसको वापस से पुराने जैसा करने के लिए मैं इसको अंडू करूँगी, कंट्रोल जेड प्रेस करूँगी। अगर आपको कंट्रोल जेड की याद नहीं रहती है, कंट्रोल दबा कर रखना है और फिर जेड दबाना है, अगर आपको ये की याद नहीं रहती है तो आप सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपने इस प्रोसेस को अंडू कर सकते हैं। देखें मैंने एक बार क्लिक किया है तो हमारा जो ये वाला पार्ट था, ये वाला टेक्स्ट था, ये अपनी जगह पर वापस आ गया। मैं अगेन एक और बार अंडू करूंगी तो जो दूसरा टेक्स्ट हमारा डिस्टर्ब हुआ था वो भी अपनी जगह पर चला जाएगा। एंड देन एक और अंडू वर्क करने से जो हमारा थर्ड टेक्स्ट था जो डिस्टर्ब हुआ था वो भी अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपने कोई चीज़ जो है ना आपने ज़्यादा अंडू कर दी है, मतलब आपको इतना ज़्यादा अंडू नहीं करना था, आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें डिज़ाइनिंग कर ली और अब आप जब अंडू कर रहे थे तो आपने गलती से, आपको दो बार अंडू करना था, आपने बाय मिस्टेक 3 से 4 बार अंडू कर दिया, जिसकी वजह से आपका पुराना वाला काम भी डिस्टर्ब हो गया जो आपने एक अच्छा बनाया था, ठीक है। तो आप रिडू भी कर सकते हो। अंडू करने की जो की होती है वो होती है बेसिकली कंट्रोल शिफ्ट जेड, तो आप इस पर क्लिक करके भी अंडू कर सकते हैं। अगर मैं अंडू करूँगी ना तो होगा ये कि जो मैंने सॉरी रिडू करूँगा तो होगा ये जो मैंने अंडू किया था वो वापस से अपनी जगह पर चले जाएगा। जैसे कि इंस्पायरिंग प्रेयर टेक्स्ट यहाँ से उठकर यहाँ आया था ना, तो रिडू करने से ये वापस अपनी जगह चला जाएगा, ठीक है। तो रिडू और अंडू बहुत सी सारी जगहों पर यूज़ होते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। कन्फ्यूजन अगर हो तो कोई मसला नहीं है, अपने क्वेश्चंस जो है अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, कल Q&A सेशन करूंगी जूम पर इंशाल्लाह, हो सकता है जूम पर करूँ या लाइव यूट्यूब पर ही करूँ, तो हम वहाँ पर जो इन चीज़ों को फिक्स कर लेंगे, ठीक है। नाउ अब हमारे पास एक और ऑप्शन है, ये है सेव का, तो ये ऑटो सेव होता रहता है, आपको सेव करने की नीड नहीं होती, हर थोड़ी थोड़ी देर में खुद ही सेव होता रहेगा, ठीक है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब हमारे पास इसके बाद ये एक पहला ऑप्शन है, ये है टेम्पलेट का, ठीक है। टेम्पलेट यानी कि हमने ये टेम्पलेट चूज़ किया, अगर आपको ये टेम्पलेट अच्छा नहीं लग रहा है तो हमारे पास यहाँ पर और भी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, आप उन टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि गेमिंग टेम्पलेट आ जाएंगे, अगर आप गेमिंग पे क्लिक करेंगे तो, अगर आपको कोई एजुकेशन से रिलेटेड टेम्पलेट चाहिए तो मैं यहाँ पर एजुकेशन लिख रही हूँ, तो हमारे पास एजुकेशन से रिलेटेड टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो भी टेम्पलेट अच्छा लगे और आप यूज़ करना चाह रहे हो आप उस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो वो टेम्पलेट आपका रिप्लेस हो जाएगा आपके न्यू वाले टेम्पलेट से। इसी तरीके से जो है हमारे पास टेम्पलेट के नीचे एक ऑप्शन होता है एलिमेंट्स का, ये आ जाएगा वहां पर, अब ये लोड हो रहा है, ठीक है। इसी के नीचे हमारे पास एक ऑप्शन होता है एलिमेंट्स का, टेम्पलेट के नीचे आप एलिमेंट्स में आएंगे। एलिमेंट्स हमारा बहुत काम की चीज़ होती है, इसमें हम बहुत सारी शेप्स अपनी मर्जी से इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आइकन्स यूज़ करना चाहे तो आइकन्स यूज़ कर सकते हैं। एडोब में हमें शेप्स वगैरह तो मिल रही होती है लेकिन ये आइकन्स वगैरह का इतना हमारे पास वो नहीं होता, और ग्रेडियंट भी हमें खुद ही बनाने होते हैं, कुछ डिफ़ॉल्टेड ग्रेडियंट्स होते हैं लेकिन अगर हम अपनी मर्जी का भी बनाना चाहें तो फिर वो भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अब जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आपने एलिमेंट के अंदर आपके पास जो चीज़ें आ रही हैं वो आ रही हैं, लाइन आ रही है, फ्रेम आ रहा है, एरो आ रहा है, सर्कल है, स्क्वायर है, ऐसे ही रेक्टेंगल है, हार्ट है, बॉर्डर है, अगर आपने कोई पर्टिकुलर शेप इसके अंदर ऐड करनी है तो आप इनके थ्रू कर सकते हैं। लाइक मुझे हार्ट ऐड करना है, लाइक जैसे कि किसी का कोई डिज़ाइन ऐसा है जो ब्लड से रिलेटेड है या जो है ना चैरिटी से रिलेटेड है, तो उसके अंदर बेसिकली हमारी जो हार्ट की शेप होती है वो यूज़ की जा रही होती है बहुत सी जगहों पर, ठीक है। या कोई ऐसा है कि जो बर्थडे से रिलेटेड है तो उसमें भी हम इस टाइप के हार्ट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको हार्ट शेप पे जिस मैं क्लिक करूँगी तो ये हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब मुझे ये
ऑरेंज पर रेड कलर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आप अपने इस पर्टिकुलर कलर को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपने जो भी शेप इसमें इंसर्ट किए, जो भी एलिमेंट इंसर्ट किया है, वो आपकी सिलेक्शन में होना चाहिए। सिलेक्शन में है ये कैसे पता चलेगा? सिंपली आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि इसके अराउंड पर्पल लाइन है या नहीं है, और अगर है तो ये आपके डॉट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर डॉट्स और पर्पल लाइन दोनों शो हो रही हैं, इट मींस कि आपका पर्टिकुलर एलिमेंट जो है ये आपकी सिलेक्शन में है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसके यहाँ पर आना है फर्स्ट ऑप्शन पे, यहाँ से आप इसका कलर अपडेट कर सकते हैं, ब्लैक, ब्लू, वाइट, ठीक है। कलर बेसिकली जो है 6 नंबर या 6 डिजिट्स या अल्फाबेट्स भी काउंट किए जाते हैं, उससे मिलकर बनता है, ये हेक्स कोड कहलाता है, ठीक है। अगर आपको कोई अपनी मर्जी का कलर ऐड करना है जो इसमें मौजूद ना हो, तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये आ रहा है। अब जैसे कि इसका देखें, ये एक मैंने यहाँ पर इसको चेंज किया तो उसका हेक्स कोड बन गया FE0101, ठीक है। तो ये 6 डिजिट्स का ही हमारे पास कोड होता है, जिसमें नंबर्स और लेटर्स दोनों इंक्लूड होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप अगर कोई ग्रीन कलर लेना चाहें तो ग्रीन पे क्लिक करें और यहाँ से आप ग्रीन कलर चूज कर सकते हैं। ब्लू लेना चाहें ब्लू पे क्लिक करें, ब्लू चूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही पिंक, पर्पल, रेड, जो भी आप कलर लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। और इसमें भी वेरिएशंस होती हैं, लाइट पिंक, रेड, लाइट मैरून, मतलब डार्क की टोन में भी जा सकते हैं और वाइट की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, वो है पिकर। इसे कहते हैं आई ड्रॉपर कहते हैं इसे एडोब में, और पिकर भी कहते हैं। आप सिंपली इस पिकर पे जब क्लिक करोगे ना, तो आप जिस भी कलर पे जाकर आप क्लिक करेंगे तो इस हार्ट के अंदर वो कलर आ जाएगा। लाइक आप ऑरेंज पे क्लिक करना चाह रहे हैं, आप येलो, लाइक मैं येलो पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। मैंने येलो पे क्लिक किया, देन सी हमारा हार्ट येलो हो गया। ये हार्ट येलो इसलिए हुआ क्योंकि ये सिलेक्शन में था, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर इमेज में से कोई कलर उठाना चाहें ना, आपको पता ना हो कि उसका हेक्स कोड क्या है, तो आप सिंपली उस इमेज को यहाँ पर रखकर इस पिकर से उसका कलर ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी लिया। मैं अगेन इस पिकर को चूज कर रही हूँ और मुझे जैसे कि ये ब्लू कलर हार्ट में देना है, तो मैं ब्लू तक गई और मैंने क्लिक किया, देखिए कलर हमारा ब्लू हो जाएगा, सेम कलर पिक हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास जो ऑप्शन होता है, एक तो मैंने आपको हार्ट का बता दिया, ऐसे ही नॉर्मल सी जो शेप्स होती हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। लाइक रेक्टेंगल आपको लेना है तो आप रेक्टेंगल ले सकते हो इस तरीके से, इसको आप रीसाइज करेंगे। ये स्क्वायर है, आप इसको रेक्टेंगल बनाने के लिए इस जगह से, इस एरो से पकड़ कर इसको खींचेंगे, रीसाइज करेंगे, तो ये आपका रेक्टेंगल शेप में चेंज हो जाएगा। अगर आपने इसको रिसाइज करना है प्रोपोर्शनल, यानी कि छोटा बड़ा करना है, तो आप शिफ्ट दबा कर रखेंगे और इसको छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, ये है सब्सक्राइब का, तो ये बेसिकली राउंडेड रेक्टेंगल यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पर सर्च करें राउंडेड रेक्टेंगल, तो ये आपको मिल जाएगा, सी राउंड है, कर्व है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना, आप कोई भी पर्टिकुलर शेप इसके अंदर यूज कर सकते हैं बा आसानी। अच्छा, इसके अंदर एक अच्छी चीज ये है कि हमारे पास जो है इसमें एक ऑप्शन होता है फ्रेम्स का। आप फ्रेम्स सर्च करो, फ्रेम्स में क्या है हमारे पास कि हम किसी भी पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर अपनी मर्जी की पिक्चर लगा सकते हैं। जैसे जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इस सर्कल के अंदर मैं कोई पिक्चर लगाना चाह रही हूँ, तो मैंने सर्कल को क्लिक कर किया तो यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट हो गया। अपलोड पे आप जाएंगे, पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम अपलोड को ऑप्शन यूज करते हैं। अपलोड पे जाएं और यहाँ से अपलोड मीडिया पे क्लिक कीजिए, और जो भी पिक्चर आपके पास मौजूद है आप उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर लें। ये हमारे पास पिक्चर आ जाएगी, लोड हो रही है, एंड देन इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, शो हो जाएगी, ठीक है। अब आपने इस पर्टिकुलर पिक्चर को सर्कल में लगाना है, तो आप सिंपली इस पिक्चर को उठाकर सर्कल के ऊपर लेके जाएंगे। अब आप देखो कि सर्कल पर्पल आउटलाइन में चेंज हो गया है, अभी नहीं है, जब मैं इस पिक्चर को सर्कल पे लेके जा रही हूँ तो वो आपके पर्पल आउटलाइन के अंदर चेंज हो रहा है। तो सिंपली आपकी जब पर्पल आउटलाइन शो हो जाए तो आपने अपनी पिक्चर को छोड़ देना है।
अब मैं इस पिक्चर को एडिट करना चाह रही हूँ कि ये इसका जस्ट हेडशॉट शो हो उसमें, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी और इसको मैं रीसाइज कर रही हूँ और इसको मैं मूव कर रही हूँ इसके मिड में। सी ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर शेप के अंदर जो है अपनी मर्जी की पिक्चर लगा सकते हैं, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक। ठीक है, इसके अलावा एलिमेंट्स में आप ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ग्रेडियंट होता है एक से ज़्यादा कलर्स को, ग्रेडियंट कलर्स कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल प्लेन कलर जैसे कि इसका बैकग्राउंड एक से ज़्यादा कलर पर बना हुआ है, यहाँ पर लाइट ऑरेंज है, यहाँ डार्क ऑरेंज है और यहाँ पर लाइट है। ठीक है, तो अगर आप एक से ज़्यादा कलर्स वाला बैकग्राउंड ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे ग्रेडियंट सर्च करेंगे, ग्रेडियंट, और आपके पास यहाँ पर शो हो जाएंगे ग्रेडियंट। ठीक है, अब जैसे कि मुझे ये ऐड करना है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक किया, अब इसको रीसाइज कर लो। अब जब ये इंसर्ट हुआ तो ये सबसे टॉप पर आया हमारे पास, मैं इसको सबसे बैक पर ले जाना चाहती हूँ, तो उसकी पोजिशन हम चेंज करेंगे। पोजीशन के लिए इसको सिलेक्शन में रखिएगा और पोजीशन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से टॉप बैक, यानी कि हमें पीछे लेके जाना है तो हम बैक पे क्लिक करेंगे, फ्रंट पे लाना होता तो हम फ्रंट पे क्लिक कर दें। बैक का मतलब है कि हम तमाम ऑब्जेक्ट्स के पीछे ले जाएंगे, फ्रंट का मतलब है कि हम तमाम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ले आएंगे, फॉरवर्ड का मतलब ये है कि हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर लाएंगे, ठीक है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट के, तमाम नहीं। और बैकवर्ड का मतलब ये है कि हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट के पीछे लेके जाएंगे। जैसे मैंने बैकवर्ड पे क्लिक किया तो सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट के पीछे हमारा बैकग्राउंड गया है और ये पिक्चर शो होने लग गई। और अगर मैं इसको टॉप बैक करती तो ये ओवरऑल बैक पे चला जाता और हमारे तमाम एलिमेंट्स शो हो जाते, जैसे कि ये अभी शो हो रहे हैं। आई होप कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैं बहुत स्लो और डीप में एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ। ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आए कमेंट सेक्शन में पूछ लें। इसके अलावा कल मैं Q&A सेशन भी रखूंगी तो आप उसमें भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हमारे पास अपलोड का ऑप्शन होता है, जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि आपने किस तरीके से अपलोड करनी होती है अपनी पिक्चर। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट। अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर, अब जैसे कि इसमें अभी लिखा है ना सब्सक्राइब, अब मैं ये चाह रही हूँ कि इसके नीचे मेरे यूट्यूब का चैनल भी आ रहा। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। टेक्स्ट पे जाएं, आपने नॉर्मल, मैं ये वाला टेक्स्ट ले रही हूँ क्योंकि मुझे हेडिंग नहीं बनानी, नॉर्मल टेक्स्ट रखना है तो मैंने इसको बॉडी टेक्स्ट लिया है। ये हेडिंग है, जैसे कि आपने टॉप हेडिंग बनानी होगी उसकी सब हेडिंग है, और ये बॉडी टेक्स्ट है तो मैंने बॉडी टेक्स्ट यूज किया। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर अपना चैनल का नाम दे रही हूँ, www.youtube.com/channel/mahiraansari632। ठीक है, अब बेसिकली ये जो है ये ब्लैक में आ रहा है और ये बकायदा दिखाई भी नहीं दे रहा और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, इसका फॉन्ट भी अच्छा नहीं लग रहा है एंड ओवरऑल। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सेलेक्ट करके पहले तो मैं इसका फॉन्ट चेंज करूंगी, सिलेक्शन में लेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर टॉप पे हमारे पास इससे रिलेटेड फंक्शंस शो हो जाएंगे। अभी इसका ओपन सैंस फॉन्ट है, ठीक है, मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, इसका फॉन्ट मैं चेंज कर रही हूँ। फॉन्ट का मतलब होता है राइटिंग का स्टाइल, कि किस डिजाइन में आपको वो लिखा हुआ चाहिए। मैंने यहाँ से रोबोटो सेलेक्ट किया है, लोड हो रहा है और ये हमारा फॉन्ट हमारे रोबोटो में चेंज हो गया। सी, और अगर आपको रोबोटो अच्छा नहीं लग रहा, आप कोई और फॉन्ट लेना चाह रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। मुझे ये फाइन लग रहा है और मैं इसको जस्ट थोड़ा सा बोल्ड करना चाह रही हूँ, यानी कि मोटा करना चाह रही हूँ, तो हम यहाँ से इसके बोल्ड के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको मोटा कर सकते हैं। सी, ठीक है। अच्छा, ये हमारे ऑप्शंस होते हैं कि आपने अपने फॉन्ट का जो साइज है उसको बड़ा करना है या छोटा, माइनस से डिक्रीज हो जाएगा, प्लस से इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आप अपनी मर्जी का कोई नंबर यहाँ पे देना चाहें 46 से बड़ा या 46 से छोटा तो आप वो भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे दे रही हूँ 24, तो ये छोटा हो गया। ठीक है, और अगर आप बड़ा देना चाहें तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ 56, तो ये बड़ा हो गया। मैं, मुझे यहाँ पर ये 46 सही लग रहा था, लाइक 48, ठीक है, इट्स फाइन, 48 रखा और इसको यहाँ पे ऊपर ले गया। या मैं इसको माइनस कर रही हूँ,
डिलीट कर दी, मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती जिससे मैंने उसको डिलीट कर दिया। ठीक ना, उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जो है हम यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आपको ये लग रहा है कि ये ब्लैक ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, इस पर रेड अच्छा लगेगा या इस पर वाइट अच्छा लगेगा, तो आप अपनी मर्जी का कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम मैंने आपको इससे पहले बताया है कि किस तरीके से हम करेंगे। मुझे ब्लैक ही अच्छा लग रहा है तो मैंने यहाँ पे ब्लैक ही ऐड कर लिया। इसके बाद ये ऑप्शन है वहाँ पास इटैलिक का, यानी कि आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, यानी कि स्टाइलिश हो जाएगा इटैलिक स्टाइल में, सी इस तरीके से। तो अगर आप ये इस तरीके से इटैलिक देना चाहें तो आप ये भी दे सकते हैं। ये आपका है अलाइनमेंट्स, यानी कि आपका टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन होगा, राइट अलाइन होगा या मिड। ये इसमें आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, क्यों? क्योंकि ये है ही एक लाइन का टेक्स्ट। इस टेक्स्ट पर मैं आपको अलाइनमेंट समझाती हूँ। ये अलाइनमेंट है सेंटर, क्यों? इस बॉक्स को देखें आप, कि इस बॉक्स के अंदर जो आपका टेक्स्ट है वो बिल्कुल बीच में फिक्स हुआ हुआ है कि ये साइड और लेफ्ट साइड या राइट साइड पर है, बिल्कुल बीच में। तो ये आपकी सेंटर अलाइनमेंट हुई है। अगर आप यहाँ से अलाइन चेंज करेंगे तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा आपका टेक्स्ट, और ये आपका यहाँ से दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपका राइट हो जाएगा। और अगर आपके पास एक से ज्यादा लाइक पैराग्राफ है तो उसमें जस्टिफाई का भी ऑप्शन होगा कि आपके चारों तरफ से आपका जो टेक्स्ट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिल्कुल स्क्वायर बना रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा ये आपकी लिस्ट है कि अगर आपने कोई पॉइंट्स बनाने हो, कोई लिस्ट बनानी हो तो आप वो भी बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं इसको जो है यहाँ पे पॉइंट बना देती हूँ समझाने के लिए। जैसे मैं कुछ भी लिख रही हूँ यहाँ पे, मतलब नेम्स लिख रही हूँ, कुछ भी आप लिख दो, या जैसे कि आप सर्विसेज लिख देते हैं कि आप क्या क्या सर्विसेज देते हो। जाएगी मैंने लिख दिया भाई फ्लायर, लोगो, बैनर। अब ये मैंने लिस्ट बना दी है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आपने पॉइंट्स वगैरह देने हैं तो आप वो पॉइंट्स इजीली दे सकते हो। किस तरीके से? इस लिस्ट के ऊपर क्लिक करके, इस लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पॉइंट्स आ जाएंगे। सी, तो इस तरीके से आप अपने किसी भी लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लाइक बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं ना, बुलेट पॉइंट्स कहा जाता है। ठीक है, ये है हमारी स्पेसिंग, हमारी लाइन की स्पेसिंग। आप लोग ने जितने जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे अपने असाइनमेंट्स शेयर किए थे डिज़ाइन बना बना के, उनकी लाइन स्पेसिंग में बहुत इशू था, तो आप अपनी लाइन स्पेसिंग इस ऑप्शन के थ्रू सेट कर सकते हैं। अभी ये नॉर्मल है, सही लग रही है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो इसी पर क्लिक करें। ये लेटर स्पेसिंग है और ये लाइन स्पेसिंग है। ठीक है, मैं आपको पहले लेटर स्पेसिंग बताती हूँ कि लेटर स्पेसिंग क्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक ब्लैंक पेज यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर अपना नाम लिख रही हूँ, माहिरा अंसारी। ठीक है, और इसके नीचे जो है मुझे लिखना है फ्रीलांसर, फ्रीलांसर। ठीक है, और इसको भी मैं कैपिटल कर रही हूँ, ये मैं भी बता दूंगी। बेसिकली ये कैपिटल हमने लिखा है स्मॉल में है, कैपिटल करने के लिए आप इसका केस चेंज करेंगे, थ्री डॉट्स के अंदर आए और ये ऑप्शन है हमारे पास चेंज केस का, ये अपर केस कर देगा इसको। ठीक है, और लोअर केस, इसमें दो केसेस हैं, अपर एंड लोअर। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स, तो मैंने अपर केस किया। अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो फ्री लांसर है बेसिकली ये इसकी स्पेसिंग इंक्रीज हो जाए लेटर की। आपने अक्सर ये जगहों पर देखा होगा कि इस तरीके से चीज़ें लिखी हुई होती हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड कर देती हूँ तो थोड़ा और ही अच्छा लगेगा। लाइक हेडिंग के तौर पर मैं इसको अगर बनाऊँ तो, जैसे कि मैंने एक लाइन ली और इस पॉइंट से पकड़कर मैं इसको छोटा कर रही हूँ, शिफ्ट दबाकर करेंगे ताकि ये स्ट्रेट छोटी हो, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यानी कि मैंने इसकी कॉपी निकाली है, कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी किया और कंट्रोल वी से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आई होप सो सबका। नाउ उसके बाद लेटर स्पेसिंग समझ आ गई है कि लेटर स्पेसिंग क्या होती है। सिंपली आपके करेक्टर्स की आपस की स्पेसिंग के दरमियान में आपके जो लेटर्स हैं ये कितने फासले के साथ होने चाहिए, इसको लेटर स्पेसिंग कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब जो लाइन स्पेसिंग है हमारी वो ये है कि पैराग्राफ है या अगर एक से ज़्यादा लाइन्स दी हुई हैं तो उनके दरमियान कितना स्पेस हो। यहाँ पर है 1.14, अगर हम इसको बढ़ाएं तो ये देखो ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर आप इसको कम करना चाहें तो इसको आप कम भी कर सकते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि कहाँ पर किस तरीके से कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है। ठीक है, नाउ जब आपका यहाँ पे ये इफेक्ट भी आ रहा है,
अच्छा, यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन भी आ रहा है कि अगर आप अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट में कोई इफेक्ट देना चाहें, स्टाइल देना चाहें, तो आप स्टाइल भी दे सकते हैं। जैसे कि ये नेम है माहिरा अंसारी, ठीक है, मैं इस पे चाह रही हूँ कि भाई ये इस तरीके से के जो है ना स्टाइल आ जाए इसका, तो आप इस पे जस्ट क्लिक करो तो ये उसका स्टाइल चेंज कर देगा। जूम बढ़ा रही हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे, सी, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा आप ये ले सकते हैं, जो भी स्टाइल आप चाहो वो आप स्टाइलिश में से चूज कर सकते हो। ये इफेक्ट है आपकी हेडिंग्स के लिए, जैसे ये आउटलाइन बेस हेडिंग है, मिसाल के तौर पर मैंने चूज किया ये वाला, ठीक है। अब मुझे इसका इफेक्ट थोड़ा बेटर करना है तो मैं ऑफसेट को थोड़ा, अगर आप बढ़ाना चाहो तो आप उसको बढ़ा सकते हो। डायरेक्शन आप इसकी सेट करना चाहें तो उसकी डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज करके, ठीक है। ये देखो ये डायरेक्शन अभी यहाँ है, ठीक है, तो ये टॉप पे जा रहा है। अगर मैं इसको पीछे करूंगी तो ये हमारा लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो रहा है, और ज्यादा किया तो ये नीचे बॉटम पे आएगी, और अगर हम इधर से आगे जाएंगे तो ये लेफ्ट साइड की तरफ इंक्रीज होगा। तो ये चीजें बहुत माइनर सी होती चीजें देखने वाली होती हैं। मैंने ऑफसेट इंक्रीज किया है तो ये हमारा जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है हमारे इफेक्ट का बैक साइड के, ठीक है। तो इस तरीके के इफेक्ट्स होते हैं, ये आप अपने पास अगर यूज करना चाहें तो इसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ये कलर्स अच्छे नहीं लग रहे तो आप अपनी मर्जी के कलर्स इसमें ऐड कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये कलर है ना, ये पिंक और ब्लू है, तो इन्होंने हमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है हमारी उस पर कि आप इसको रेड में भी रख सकते हो अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो। नाउ इसके बाद जो है हमारे पास जो ऑप्शन है बेसिकली एनिमेट का है, वीडियो पे काम होगा, इसको हम वो नहीं करेंगे ज़्यादा। अगर आपने किसी चीज़ को अंडरलाइन करना है तो आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो, सेलेक्ट करेंगे, थ्री डॉट्स में जाएंगे, अंडरलाइन, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड कर रही हूँ, मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए। थ्री डॉट्स में गए, ये पोजिशंस मैंने आपको बता दी थी ये वाली, ठीक है। ये मैंने पोजीशंस आपको नहीं बताई है, ये पोजीशन है हमारी अलाइन टू पेज की, हमारे पेज के मुताबिक अलाइनमेंट्स की। इसमें क्या है बेसिकली, इसमें है ये कि भाई आप अपने पेज के मुताबिक इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को टॉप पे अलाइन करना चाहते हैं, लेफ्ट के अलाइन करना चाहते हैं, मिडिल में अलाइन करना चाहते हैं, सेंटर में करना चाहते हैं, बॉटम में या राइट पे। अगर मैं टॉप पे क्लिक करती हूँ तो ये जो मेरा टेक्स्ट है ये इसके टॉप से जाकर स्टिक हो जाएगा, सी, हमारे पेज के। और अगर आप इसको जो है लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट पे जाके स्टिक हो जाएगा, मिडिल पे क्लिक करेंगे तो मिडिल में, सेंटर पे क्लिक करेंगे तो सेंटर में। तो आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट हो आपने उसको उस हिसाब से एडजस्ट करना है, ठीक है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैंने जो भी हेडिंग दी है या जो भी पूरा डिजाइन किया है ओवरऑल वो पूरा ही मेरे पेज के मिड में सेट हुआ हुआ हो, तो मैं इस तरीके से ड्रॉ सेलेक्ट करूंगी, इसको ओवरऑल सिलेक्शन लूंगी, राइट क्लिक करके इसको मैं ग्रुप कर लूंगी, ग्रुप, ठीक है। यानी कि अब ये एक साथ मेरा मूव होगा और अब मैं इसको अलाइन कर दूंगी मिड में, मिडिल पोजीशन सेंटर, यानी कि अब ये ओवरऑल मेरे कैनवस के मिड में अलाइन हुआ हुआ है। आप इसका साइज इंक्रीज करना चाहो साइज इंक्रीज कर दो, क्लियर। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, जब जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, कभी रिक्वायरमेंट ऐसी आएगी कि आपको लेफ्ट पे अलाइन करना होगा तो फिर आप वो ऑप्शन में जाके लेफ्ट कर रहे होंगे, कभी रिक्वायरमेंट ऐसी आएगी आपको राइट अलाइन करना होगा तो आप राइट कर रहे होंगे। तो ये चीजें सारी प्रैक्टिस से आएंगी, तो आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है इन चीजों की, ठीक है। और ये फंक्शन पढ़ाने का मकसद ये है कि आप लोग सीखें मुझसे और काम करें। ये सब कुछ ये क्लास देखने के बाद आपने मुझे कल अपना असाइनमेंट सबमिट करवाना है, कुछ भी बनाकर दिखाएं, लेकिन आपने सारे फंक्शंस को यूज करते हुए कुछ ना कुछ बनाकर मुझे दिखाना है, ठीक है। जब आप अपना डिजाइन फाइनल कर लेंगे तो फाइनल करने के बाद सिंपली, अच्छा एक चीज यहाँ पर और है, ये एक है कॉपी स्टाइल का, ये चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। अब जैसे कि जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल ये जो मैंने लिखा है माहिरा अंसारी, ठीक है, इसको मैं अभी अनग्रुप कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ माहिरा अंसारी को ही सिलेक्ट करना है। अब ये जो मैंने लिखा है सारी, मैं इसका स्टाइल कॉपी करना चाह रही हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगी, थ्री डॉट्स में आएंगे, स्टाइल को कॉपी करेंगे। अब जब मैंने कॉपी पे क्लिक किया ना तो मेरे हाथ में ब्रश आ गया है। अब मैं जिस भी टेक्स्ट पे या जिस भी उस पर जाकर इस पर क्लिक करूंगी ना तो ये मेरा स्टाइल सेम इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा, सी। तो ये ईजी हो जाएगा हमारे लिए इसको जो है ना सेकेंड वाले डिजाइन को बनाकर
इजी हो जाएगा हमारे लिए कि एक दफा स्टाइल बनाकर बाकियों पे अप्लाई करना, ठीक है। नाउ अब हम इसको करेंगे डाउनलोड। डाउनलोड करना बहुत इजी सा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप शेयर पे क्लिक कर सकते हैं। शेयर पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप नीचे आ जाएं, डाउनलोड पे क्लिक करो। अब डाउनलोड में ये हमें फॉर्मेट्स बोल रहा है कि आपने PNG फॉर्मेट में करना है, JPG करना है, PDF स्टैंडर्ड करना है, PDF प्रिंट करना है, SVG करना है, MP4 करना है, GIF करना है। JPG, PNG अराउंड ऑलमोस्ट सेम ही कंसीडर की जाती है। बस PNG में ये होता है कि उसका बैकग्राउंड नहीं होता कोई, और वो इजीली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर हमने बैकग्राउंड लगाया है तो फिर बैकग्राउंड काउंट होगा, भले हमने PNG ही क्यों ना उसको डाउनलोड किया है, ठीक है। अच्छा, PDF आप सबको पता होगा, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। PDF फाइल्स होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा पेजेस भी आ रहे होते हैं और सिंगल सिंगल पेज भी आ रहा होता है, ठीक है। और ये SVG फाइल ही कह रहे हैं आपको प्रो वर्जन में मिलेगी। SVG स्टैंड फॉर स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है। ये हम एडोब में भी ज़्यादातर बना रहे होते हैं ये वाली जो है ना फॉर्मेट में पिक्चर्स। ये जो है ना बेसिकली वेक्टर के लिए ज़्यादातर यूज होती है, वेक्टर ग्राफिक्स के लिए। ये आप आगे जाकर मुझसे सीखेंगे कि वेक्टर ग्राफिक्स कैसी होती है, ठीक है। तो आपने जस्ट सिंपली मैंने PNG पे क्लिक किया है और मैं यहाँ से इस पर डाउनलोड पे क्लिक कर रही हूँ। कैमरा प्रो पे नहीं, सॉरी। डाउनलोड ऑफ फ्री, ठीक है। मैंने इस पर जस्ट क्लिक किया तो ये हमारी यहाँ से डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो रही है। अब ये हमारे पास डाउनलोड, ठीक है, zip फाइल में डाउनलोड हुई है। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको क्लास के एंड में ये बताऊंगी कि अगर आपने बने बनाए डिजाइन का साइज चेंज करना है तो आप किस तरीके से करोगे। सिंपली कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रो वर्जन में वो कह रहे हैं कि आप इसको रिसाइज कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते। तो आप सिंपली क्या करो, एक फाइल में जाकर आप एक न्यू डिजाइन क्रिएट करो, ठीक है, कस्टम साइज पे, जो साइज आपको चाहिए ना उस साइज पे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मुझे साइज चाहिए इसका 830 by 315, ठीक है। और मैंने क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक किया तो मेरे पास नए टैब में खुलकर आ रहा है। आप क्या करो, आप इस तमाम ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करो तरीके से, सेलेक्ट, कंट्रोल सी, कॉपी, अपने इधर आए दूसरे वाले उसमें, और कंट्रोल वी, पेस्ट। ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। अब आप इसको रिसाइज कर लें अपने हिसाब से, जैसे आपको करना है। आपके पास ओवरऑल डिजाइन उठकर आ जाएगा इजीली। बस बताने का मकसद ये है, वहां पर हमें रिसाइज को वो नहीं दे रहे ऑप्शन, तो आप यहाँ से इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते। और ये राइट क्लिक, ग्रुप, यहाँ पर आइए, पोजीशन में आइए और इसको सेंटर अलाइन कर दें तो ये पूरा एक साथ उठकर यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसको आप रिसाइज कर लें आप। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और चीज़ें समझ आई होंगी कि हम किस तरीके से ये ऑप्शंस कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल तो हम Q&A सेशन लेंगे। बस कैनवा की एक और मैं क्लास लूँगी जिसके अंदर जो है कस्टम डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी कि हम किन किन चीज़ों को यूज़ करते हुए, टेक्स्ट को यूज़ करते हुए डिज़ाइन किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कुछ भी रहता हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा और अपनी सजेशंस मुझे लाजमी दीजिएगा और अपना रिस्पांस लाजमी शेयर कीजिएगा कि इस क्लास को रिलेटेड आपका क्या रिस्पांस रहा है, ताकि मुझे पता चले कि मेरी क्या खामियां रही हैं तो मैं उसको सुधार सकूँ। और अगर अच्छी लगी हो क्लास तो लाजमी अप्रिशिएट भी कीजिएगा, क्योंकि अप्रिसिएशन से ही इंसान को जो है ना मतलब अच्छा फील होता है कि आप लोग को समझ आया और आपके लिए क्लास अच्छी रही, ठीक है। इंशाल्लाह आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अपनी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।